इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो होते हैं जो एक काम खुद करके और खुद को ब्लेम करना चाहते हैं अगर अच्छा हो या बुरा हो, और एक वो होते हैं जो दूसरों पर डाल के खुश होते हैं और उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। बाल कटे नजर आए हैं, कैसे हैं? अगर आपको शोर आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, एसी चल रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद में एक सेकेंड 41 कैसे सीधा नजर आएगा भाई, चलें समझ आ गई ना 41। तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं बंद कर सकता, थोड़ा थोड़ा आपको शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं ना बार्बर के पास, तो बहुत सारी चीज़ें सोच के जाते हैं कि यहाँ से ऐसे कटवाने हैं, यहाँ से थोड़े से ऐसे, थोड़े से स्पाइक्स, ये वो। लेकिन जैसे ही बार्बर की सीट पे, नाई की सीट पे हम बैठ गए तो उसको बोलते हैं यार बस मुनासिब से काट दो, क्योंकि पता होता है कि जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही उसने हराम करने हैं। तो इसी चीज़ से तंग आकर मैंने कहा कि मैं खुद ही बाल काट लेता हूँ, क्योंकि रिमेंबर मैंने बताया था कि मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, दूसरे टाइप का। इस तरह एक और भी है मेरे बारे में एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ लोगों को चीज़ें खरीदने का शौक़ होता है और कुछ को बनाने का। मुझे बनाने का शौक है। अभी फॉर एग्जांपल वो मेरे पीछे आप लैंप देख सकते हैं, वो खुद बनाया। उसके बाद थोड़ा सा इधर ये एक पीछे लाइट पड़ी है, दिख रही है? हाँ, ये भी मैंने खुद बनाई है। अभी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये कौन कौन से टूल्स हैं और कैसे मैं बनाता हूँ। ये तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कहाँ से उठेगा बे, ये देखें ये वाली लाइट। अभी अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो ये नीचे आप देख रहे हैं ये बेस लकड़ी का अलग टुकड़ा है, ये भी हाँ इधर से नजर आएगा, ये एक स्क्रैप पड़ा हुआ था लकड़ी का वो है, और ये अलग है, देख रहे हैं। और इसमें एक और फीचर है, ये जो बल्ब मैं लगाया इधर, मैं एलईडी भी लगा सकता था, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। एक मिनट, इसको ट्राइपॉड से उतार लूं कैमरे को। अच्छा, ये बल्ब है और अगर हम पीछे चलें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन है ऑन ऑफ का, लाइट कम आ रही है, यहाँ से बल्ब ऑफ और ऑफ और। उसके बाद ये आप देख रहे हैं पंखे वाला रेगुलेटर, इससे क्या होता है जब लाइट ऑन है तो अगर इसको फेरेंगे लाइट कम ज़्यादा तो डिफरेंट शॉट्स में उस हिसाब से एडजस्ट। तो अभी आपने इस लाइट का शशका देखा, अभी मैं दिखाऊं तो ये वाली, एक सेकंड जस्ट मिनट, ये देखिए ये एक होल्डर है, इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया और नीचे बल्ब लगा दिया, एलईडी टाइप बल्ब है। और ये जो है यहाँ से देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा, ये एक और लकड़ी का टुकड़ा और नीचे ये लासानी का पीस। तो इस तरह हमारे पास ये शाहकार बन गया, देखें कितना आर्टिस्टिक लगता है। उसके बाद ये कंप्यूटर टेबल, ये सारी मैंने नहीं बनाई थी, इसमें भाई भी हमारे शामिल हैं। तो
अभी मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें बनती कहाँ पे। अभी चलते हैं दूसरे रूम में, जो रूम कम वर्कशॉप ज़्यादा है। डोंट माइंड द गंध। तो सेकंड लाइट बढ़ा लूँ। तो ये वो टूल्स हैं जिन पे ये चीज़ें बनती हैं। एक और पुर्जा भी है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इससे रगड़ाई हो जाती है, इससे कटाई हो जाती है। ये ड्रिल है, इसकी बैटरी नीचे गई हुई है। बाकी छोटे मोटे टूल्स हैं, बाकी ये नीचे कुछ स्क्रैप पड़ा है जिससे चीज़ें बन जाती हैं। उसके बाद ये वाला पुर्जा जो मेरी लेटेस्ट कह लें शाहकार, ये है कैमरा ओवर हेड रिग। इससे कैमरे से नीचे वाले का, आपने भी ना मेरी शुरू वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने कैमरे से वो शॉट लिए थे पेजेस पे लिखने वाले, तो वो इतना मज़े के नहीं आए, तो उसके लिए मुझे ये रिग बनानी पड़ गई। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। भाई के पसीने चेक करें ज़रा, यहाँ पे एसी भी नहीं है और पंखा भी नहीं है। पंखा चला नहीं रहा क्योंकि उसे आवाज़ आएगी। अब मोबाइल से शॉट कर रहा हूँ, तो कैमरा मेरे हाथ में है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये रिग कैसे काम करेगी। कैमरा लग गया इस पे ऐसे। तो ये देखें जी, ये हो गया इधर। अब इसके नीचे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रखता हूँ कॉपी, तो अब यहाँ पे देखें ये आ गई ऐसे, ऐसे आएगा शॉट। और अगर इसको ज़ूम करना चाहूँ तो ये ज़ूम हो गया, ये फोकस किधर गए हुए, ये देखें ये आ गया ऐसे। और सपोज ये मेरे सारे इस पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्लैंक पेज ढूंढूं तो हमारे पास ये आ गया ब्लैंक पेज, और यहाँ पे ऐसे। अब अगर मैं कोई लिखने वाला शॉट लेता हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसकी मज़ीद डिटेल बताऊँ तो ये आप देखें, स्क्रू लगा हुआ है जो उसके में उसमें गया है। बाकी ये इसकी सपोर्टें हैं, ज़ूम हो जाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आने वाली वीडियो में आपको ये वाले ओवरहेड शॉट्स मिलते रहेंगे। हालत चेक करें भाई की। ये कहते हैं कि वीडियोस बनाना आसान है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का और ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि दो तरह के इंसान होते हैं, आप दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। या तो आप वो वाले बन जाएं जिनको चीज़ें ख़रीदना पसंद है, जब तक ख़रीदने की औकात नहीं होती हाथ पे हाथ धरे बैठे जाते हैं, और या तो वो वाले बन जाएं या फिर जो चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर वो आप बन जाएं कि जो ऐसे काम करते हैं या जो फैसले हैं अपनी ज़िंदगी के वो दूसरों से करने देते हैं उनको, ताकि उनको ब्लेम करने के लिए कोई हो, या फिर ऐसा इंसान बन जाए जो खुद फैसले करता है और फिर ब्लेम अच्छा हो या बुरा हो वो उसी पे होता है। एक साइड आपको चूज़ करनी पड़ेगी, अब ये आप पे है, आप कौन सी साइड चूज़ करते हैं। मेरे नज़दीक वो वाली साइड अच्छी है जिसमें आप खुद को ब्लेम करें। जब आप खुद को ब्लेम करते हैं तो आप बड़े बड़े डिसीजंस और बड़े बड़े फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। आप आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत है, बारिश होगी, वीडियो बनेगी।